ओम अज्ञातिमरांध्य ज्ञानांजनशलाकुन्मील श्रीगुरव नम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो निनंद श्रीअत गाधर श्रीवासादि कौरभक्तविंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा सभी भक्तों को सादर प्रणाम चैतन्य चरितमृत सत्र 108108 108 में सभी भक्तों का स्वागत है हम सभी यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित एवं भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभु द्वारा तात्पर्य सहित विवेचित चैतन्य चरितमृत पुस्तक अध्याय उन्नीस भाग दो आज के सत्र में आरम्भ करने जा रहे हैं चैतन्य महाप्रभु पिछले सत्र में श्रवण करने में हम समझ पाए कि वृंदावन से प्रयाग होते हुए रूप गोस्वामी जी और अनुपम उनके भाई और तीसरे भाई सनातन गोस्वामी इन तीनों पर अनुग्रह करने के लिए अपनी योजना के प्रारूप में उनसे इस यात्रा में भेंट करेंगे रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जो नवाब हुसैन शाह के दरबार के बहुत ही उच्च पद प्राप्त मंत्री रहे हैं वह वास्तव में आध्यात्मिक दृष्टि से भगवान के नित्य धाम की मंजरियाँ हैं श्रीमती राधा रानी की सखिया जो भगवान की सेवा में निरंतर रत रहती हैं प्रथम पचास सत्रों में हम में हमने जाना कि सनातन गोस्वामी के लिए अपने भ्राता रूप गोस्वामी की तरह निकल पाना इतना आसान नहीं रहा नवाब हुसैन शाह के चंगुल से क्योंकि वह उनको अत्यधिक प्रिय थे और छोटे भाई की तरह रखते थे यह बहाना करके सनातन गोस्वामी अपने घर में राजकाज सेवा में विरत होकर रह रहे थे कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और वह प्रतिदिन भागवतम चर्चा कर रहे थे पर एक दिन हुसैन स्वयं उनके घर में आ जाते हैं और देखते हैं कि वह वहां अब राज पद को निर्वहन करने में अनिक्षुक है कारण पूछे जाने पर शिल प्रउपाध्या तात्पर्य में अभिव्यक्त कर रहे हैं कि हुसैन शाह उड़ीसा पर आक्रमण की योजना बना रहा था और सनातन गोस्वामी को यह बिल्कुल भी प्रिय नहीं था अंततः उनके समक्ष चैतन्य महाप्रभु के निकट जाकर शरणागति करने का अपनी अविचल आकांक्षा भक्ति को पूरा करने का एक अवसर था और अब वह इसे किसी भी अन्य कार्य के लिए त्यागना नहीं चाहते थे तो हुसैन शाह द्वारा सनातन गोस्वामी को बंदी बना लिया जाता है और इधर रूप गोस्वामी और अनुपम भगवान की यात्रा के क्रम में उनसे मिलने का शुभ अवसर प्राप्त कर पाते हैं तो छंद संख्या इक्यावन में जहां हमने श्रवण किया चैतन्य महाप्रभु ने दोनों भाइयों का रूप गोस्वामी और अनुपम का आलिंगन किया है अहेतुकी तो की कृपा करके उनके सिर पर पाव रखे बावन से आज के सत्र में आगे बढ़ेंगे प्रभु कृपा पाया दुहे दुई हाथ यूड़ी दीन हय स्तुति करे विनय आचारी महाप्रभु की अहतुकी तो की कृपा पाकर दोनों भाइयों ने हाथ जोड़े और अत्यंत दीन भाव से महाप्रभु की निम्नलिखित स्तुति की नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण क्रिश्न चैतन्य नामने गौर नम नमो महावदन्याय हे परम दयालु अवतार आप स्वयं कृष्ण हैं जो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं आपने श्रीमती राधा रानी का गौर वर्ण धारण किया हुआ है और आप कृष्ण के शुद्ध प्रेम का उदारता से वितरण कर रहे हैं हम आपको सादर नमस्कार करते हैं भुवनं दयालु प्यकरो स्वप्रेम श्री कृष्ण चैतन्य मदे हम उन दयालु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सादर नमस्कार करते हैं जिन्होंने अज्ञान से मदोन्मत तीनों लोगों को बदल डाला है और उन्हें भगवत प्रेम के कोष के अमृत से उन्मत्त बनाकर रुग्ण अवस्था से उनकी रक्षा की है हम उन भगवान श्री कृष्ण चैतन्य की शरण ग्रहण करते हैं जिनके कार्यकलाप अद्भुत है तो कह रहे हैं यहाँ पर आचार्य कि भगवान की शरणागति से भगवान की कृपा से भगवान के कार्यकलापों के वर्णन से अधिक सुखकारी इस जगत में कुछ भी नहीं है हम अपने जीवन का इस मनुष्य जीवन का विशेष रूप से अमूल्य समय लगाते हैं यह सोचकर कि हम अपने प्रयास से सुख हो सकते हैं हमारा भौतिक मन-बुद्धि का विकास हमें जितना मार्गदर्शन प्रेरणा दे पाता है उससे हम अपने आप को इस जगत में सुखी करना चाहते हैं गीता में भगवान कहते हैं अशाश्वतम दुखालयम आलयम का अर्थ हो गया घर और दुख का अर्थ है कष्ट तो यहाँ यह जगत बनाया ही भगवान की रचना में उस जेल की तरह है जैसे किसी भी स्वस्थ शहर की जब योजना बनाई जाती है कहाँ सड़कें निकलेंगी कहाँ अस्पताल होंगे कहाँ लाइब्रेरी होगा वैसे ही कहाँ जेलखाना होगा तो भगवान की सृष्टि की रचना में ये मर्तलोक उसी प्रकार का जेल खाना है ये भौतिक जगत और यहाँ जीवों को अवसर दिया जाता है सुधरने का अपने मूल परिचय को पुनः प्राप्त करने का और हम सोचते हैं हम यहाँ सदा सर्वदा रहने के लिए इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अपने उत्तरदायित्वों का वहन न करें अपने शरीर का पोषण न करें अपने श... अपने संबंधों में आश्रित जीवों के ऊपर करुणा दया भाव न रखें समाज में सुव्यवस्थित शासन में सहयोग न करें इसका अर्थ कदापि ये नहीं है इसका अर्थ ये समझने के लिए है कि हमारी योजनाएं अन्यों को पीड़ित प्रताड़ित करने के साथ साथ कई बार हमें भी आवश्यकता से अधिक पीड़ित करती हैं और लक्ष्य से भ्रमित करती हैं। जैसे किसी यात्रा पे जाते समय आचार्य ये उदाहरण देते हैं यदि हम ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं तो ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे यदि हम फ्लाइट से यात्रा कर रहे हैं तो एयरपोर्ट पर हमें कुछ बंधु बांधव मित्र कहीं कोई पुराने शुभ चिंतक ऐसे निकट जन, जन मिल जाए तो जो ट्रेन या फ्लाइट की प्रतीक्षा करने का समय है वह सुखमय तरीके से बीत गया है ऐसा प्रतीत होता है पर अंततः जब जिसकी ट्रेन आएगी और फ्लाइट आएगी उसको उस यात्रा पर जाना ही है तो शरीर हमें उस माध्यम की तरह मिला है इस भौतिक जगत में जहां हम नियमों का आचार संहिताओं का गुरु के मार्गदर्शन का नियामक सिद्धांतों का पालन करते हुए अपने जीवन का व्यवहार रखें और हर जीव अपनी यात्रा पर है इस बात को विस्मरित ना करें यहां पर कहते हैं आचार्य कि जब हम यह विस्मृत कर जाते हैं तो हमारी अवस्था रुग्ण रु, किसी बीमार व्यक्ति की तरह हो चुकी होती है और हम अपने लक्ष्य से भ्रमित हो जाते हैं महावदन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के नाम की शरण में हम अपनी उस चेतना को प्राप्त करके पुनः इस जगत में न आकर शाश्वत सुख जहाँ प्राप्त होता है जहाँ सदैव रहने के हम पात्रता रखते हैं अधिकार रखते हैं वहां अपने प्रयास से पहुंच सकते हैं तभी महाप्रभु तारे निकटे वसाईला वा सनातन वार्ता कह वार्ता कह ताहरे पुछीला तबे महाप्रभु तारे निकटे वसाईला वा सनातन वार्ता वार्ता कह ताहारे पूछीला इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें अपनी बगल में बैठाया और उनसे पूछा सनातन का क्या समाचार है रूप कहते हो बंदी हय राजघरे घरे तुम यदि उद्धार तबे बे उद्धारे श्री रूप गोस्वामी ने उत्तर दिया सनातन को हुसैन शाह की सरकार ने अब बंदी बना लिया है यदि आप कृपा करके उसे बचाएं तो वह उस बंधन से छूट सकता है प्रभु कहे सनातन रात आमा सी श्री चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत कहा सनातन उनके कारागार से छूट चुका है और वह शीघ्र ही आकर मुझसे मिलेगा तो पहले इस प्रकार ईमेल व्हाट्सएप एसएमएस ऐसी द्रुतगामी सूचनाएं नहीं थी तथापि अपने विश्वस्त सूत्र और स्त्रोत हुआ करते थे जानकारियां प्राप्त करने का तो वह समय काल जब से रूप गोस्वामी ने राजदरबार छोड़कर महाप्रभु के यात्रा के बारे में सूचना प्राप्त करके और अब वस्तुतः उनसे मिल रहे हैं इतने समय में उन्होंने पत्र भेजा था सनातन गोस्वामी को कि दस हजार रुपये मैंने बाहर एक व्यवसायी के यहाँ छोड़ रखे हैं दस हजार मुद्राएं एक व्यवसायी के यहाँ छोड़ रखे हैं आप उनका प्रयोग करें थोड़ा राजदंड नीति भेद से अः इस उस धन का वितरण करके अपने लिए निकलने का मार्ग प्रशस्त करें यहाँ जब तक वो आकर मिल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु से चैतन्य महाप्रभु बतला रहे हैं विचार करने की बात है चैतन्य महाप्रभु के पास कौन सा स्रोत है क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को किसी अन्य स्रोत की आवश्यकता नहीं वो सबके हृदय में उपस्थित है सर्वत्र उपस्थित है वो बता रहे हैं रूप गोस्वामी को कि सनातन कारागार से छूट चुका है और शीघ्र ही आकर मुझसे मिलेगा मध्याहन करीते प्रभु रे कहीला रूप गोसाई से दिवस तथा तब ब्राह्मण ने श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना की कि वे भोजन ग्रहण करें उस दिन रूप गोस्वामी भी वहीं रहे भट्टाचार्य दुई भाई निमंत्रण कैला प्रभु शेष प्रसाद पात्र भाई पैला बलभद्र भट्टाचार्य ने दोनों भाइयों को भी भोजन करने को कहा उन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु की थाल से बचा हुआ भोजन प्रदान किया गया त्रिवेणी ऊपर प्रभु वासा घर स्थान दुई भाई वासा कैला प्रभु सन्निधान श्री चैतन्य महाप्रभु ने गंगा तथा यमुना के संगम के निकट त्रिवेणी नामक स्थान में अपना निवास स्थान चुना रूप गोस्वामी तथा श्री वल्लभ दोनों भाइयों ने महाप्रभु के निकट ही अपना निवास स्थान चुना वल्लभ भट्ट रहे अड़ायल ग्राम में महाप्रभु आयला शोनी आयला तार उस समय श्री वल्लभ भट्ट अड़ाइल ग्राम में रह रहे थे जब उन्होंने सुना कि श्री चैतन्य महाप्रभु आए हैं तो वे उनका दर्शन करने उनके स्थान पर गए तो वल्लभ भट्ट अनुपम का नाम चैतन्य महाप्रभु के संग रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के संग मिलन में यहां प्रयोग हो रहा है और जिन वल्लभ भट्ट की यहाँ पर बात की जा रही है वह हमारे वल्लभाचार्य जी हैं शिवप्रभुपाद यहां पर तात्पर्य में उल्लिखित कर रहे हैं कि वल्लभ भट्ट वैष्णव दर्शन के महान विद्वान रहे बाद में वे विष्णु स्वामी संप्रदाय में सम्मिलित हुए और उस सम्प्रदाय के आचार्य बने और उनका संप्रदाय वल्लभ आचार्य संप्रदाय के नाम से विख्यात हुआ वल्लभाचार्य जी के लिए यहाँ पर उल्लिखित करते हैं शिल प्रभात की उन्होंने श्रीमद भागवत की टीका सुबोधनी टीका वेदांत सूत्र पर टिप्पणियां षोड़श ग्रंथ ये सभी अनेकानेक रचनाएं की हैं। आज भी त्रिवेणी के पास भगवान विष्णु का एक मंदिर है जो वल्लभ संप्रदाय का कहा जाता है तो वल्लभाचार्य जी भगवान से यहाँ पर मिलने के लिए आ रहे उनका जीवन परिचय संक्षिप्त में शिल प्रभुपात तात्पर्य में बतलाते हैं कहते हैं वाराणसी में उन्होंने 11 वर्ष तक अध्ययन किया है और जब घर वापस पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनके पिता भौतिक जगत से सिधार चुके थे भाई तथा माता घर पर थी वहां से वल्लभाचार्य जी वल्लभ भट्ट तुंग भद्रा नदी के तट पर विद्यानगर नामक गाँव चले गए जहां उन्होंने राजा के कृष्ण कृष्णदेव को ज्ञान दिया था और उसके पश्चात छह वर्षों तक भारत का तीन बार भ्रमण किया अठारह वर्ष इस प्रकार बिताकर शास्त्रार्थ में विजयी होकर जब तीस वर्ष के थे तो महालक्ष्मी के साथ विवाह किया गोवर्धन पर्वत के निकट उन्होंने एक अर्चा विग्रह की स्थापना की अड़ाइल आए जो प्रयाग से यमुना के उस पार स्थित है उनके दो पुत्र गोपीनाथ तथा हैं और वृद्धावस्था में उन्होंने ग्रहण किया है और तदुपरांत उल्लेख आता है सौ 1530 ईस्वी के आसपास उन्होंने वाराणसी में भौतिक जगत का त्याग किया है तो यदि हम देखें उस हिसाब से उस क्रम से तो यहाँ पर अपनी उस यात्रा के क्रम में चैतन्य महाप्रभु से वह मिल रहे हैं हो केला, प्रभु केला आलिंगन दुई जने कृष्ण कथा है वल्लभ भट्टाचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार किया और महाप्रभु ने उनका आलिंगन किया इसके बाद कुछ समय तक वे कृष्ण कथाओं के विषय में विचार विमर्श करते रहे कृष्ण कथा है प्रभु महा प्रेम लीला लट्टे र संकोचे प्रभु संवरण कैला जब वे कृष्ण कथा के विषय में बातें कर रहे थे तब श्री चैतन्य महाप्रभु को अत्यधिक प्रेमावेश का अनुभव हुआ किंतु उन्होंने अपने भाव को संवरण किया क्योंकि वल्लभ भट्ट के समक्ष उन्हें संकोच हो रहा था अंतरे गर गर प्रेम नहे देखी चमत्कार है ला वल्लभ भट्ट मन यद्य महाप्रभु ने बाहर से अपने आप को सम्वरण किया किंतु उनके भीतर ही भीतर, भीतर प्रेमावेश उमड़ने लगा तो भक्ति के भावों को देखकर वल्लभ भट्टाचार्य अत्यधिक आश्चर्यचकित हो गए तबे भट्ट महाप्रभु रे निमंत्रण कैला महाप्रभु तुई भाई ताहरे में लईला इसके बाद बल्लभ भट्ट ने श्री चैतन्य महाप्रभु को भोजन पर आमंत्रित किया महाप्रभु ने रूप तथा बल्लभ दोनों भाइयों का उनसे परिचय कराया है तुई भाई दूर रहते भूमि ते पड़ी या भट्टे दंडवत कैला अति दीन हैया रूप गोस्वामी तथा श्री वल्लभ दोनों भाइयों ने अत्यधिक दीनतावश दूर से ही गिरकर भूमि पर वल्लभ भट्ट को प्रणाम किया भट्ट मिली बारे या दूहे पला दूरे अस्पृश्य पामर मुई ना ही मोरे। जब वल्लभ भट्टाचार्य उनकी ओर बढ़े तो वे और दूर चले गए रूप गोस्वामी ने कहा हम अछूत और अत्यंत पापी हैं कृपा करके हमें स्पर्श न करें भट्टेर विस्मय है हर्ष हर्षम भट्टेर कहिला प्रभु तार विवरण इस पर वल्लभ भट्टाचार्य को अत्यधिक आश्चर्य हुआ है और श्री चैतन्य महाप्रभु इस विनयशीलता से अत्यधिक प्रसन्न वे स्वयं रूप गोस्वामी का विवरण यहाँ वल्लभ भट्टाचार्य को देते हैं इो ना स्पर्शी इो जाति अति न वैदिक याज्ञिक तो में कोलि न प्रवीण चैतन्य महाप्रभु ने कहा उन्हें न छुए क्योंकि वह अभी यवन आ, परिवर्तन में निम्न जाति के हो गए हैं आप तो वैदिक नियमों के अनुयायी हैं और अनेक यज्ञों को संपन्न करने में अत्यंत अनुभवी हैं 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 आप तो भी हैं। तो भी वो यहाँ पर परिचय ले रहे हैं। रहे कह बहुत स्पष्ट तरीकों में स्पष्ट शब्दों में कि सामान्य ब्राह्मणों को इसका मिथ्या गर्व था कि वे कुलीन होते हैं और अनेक वैदिक यज्ञ करते हैं इसका यहाँ पर तो ब्राह्मणों का तिरस्कार नहीं है अभी तो ये स्पष्ट करना है कि भगवान की दृष्टि में जो महत्व का है वह गुण कर्म और स्वभाव है और दक्षिण भारत में यह गर्वित स्थिति अत्यधिक मुखर रही है पांच सौ वर्ष पूर्व के सामाजिक व्यवस्था के अनुसार इसलिए यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु स्पष्टतः वल्लभ भट्टाचार्य के समक्ष यह तथ्य रख रहे हैं श्री प्रभुपाद कहते हैं यह देखकर ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस कृष्ण भावना अमृत आंदोलन का शुभारंभ किया जो किसी भी जाति पाति रंग सामाजिक स्थिति के भेदभाव के बिना मनुष्य का उद्धार कर सकते कोई यहाँ रोक टोक नहीं है कि ये पुस्तक ये वर्ग नहीं छू सकता स्त्रियां नहीं पढ़ सकती किसी विशेष स्थिति में नहीं पढ़ सकती चैतन्य महाप्रभु ने कहा जो भी हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करता है वह भक्ति की दिव्य स्थिति के कारण स्वतः शुद्ध हो जाता है और साथ ही साथ शिव प्रभुपात ये भी स्पष्ट करते हैं कि वास्तव में रूप गोस्वामी निम्न जाति के या वर्ण के या संप्रदाय के नहीं थे वे अत्यंत कुलीन परिवार के थे किंतु नवाब के शासन की संगति के कारण सामाजिक दृष्टि से उन्हें निष्कासित किया गया था पर जब स्वयं चैतन्य महाप्रभु उनको भक्ति की उन्नत स्थिति के कारण स्वीकार कर रहे हैं तो हमें से या उस समय के प्रबुद्ध जनों में से किसी को इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए और वल्लभ भट्टाचार्य को भी नहीं हुआ वो जानते थे कि भक्त की कोई जाति पाति नहीं होती तथापि वह तत्कालीन सामाजिक स्थिति से भी परिचित शूल प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं यहाँ पर इसीलिए क्योंकि जब ये पुस्तक उनके द्वारा लिखी जा रही है तात्पर्य के रूप में तब भी वल्लभ भट्टाचार्य के संप्रदाय से उनका अच्छा मेल जोल है वो कहते हैं उस समय का वर्णन करते हुए कि बंबई के वल्लभ भट्टाचार्य संप्रदाय के वर्तमान अध्यक्ष दीक्षित महाराज हैं और वे हमारे आंदोलन के प्रति मित्र भाव रखते हैं जब भी हमारी उनसे भेंट होती है वे हरे कृष्ण आंदोलन के कार्यों की खूब प्रशंसा करते हैं वे हमारे संघ के आजीवन सदस्य हैं और हमारे संघ को स्वीकार करते हुए इसके सदस्यों को भगवान विष्णु के प्रामाणिक भक्त समझते हैं तो ये पचास साठ वर्ष पूर्व जब लिखी जा रही है पुस्तक तब के तात्पर्य में शिल प्रभुपात बतला रहे हैं कि कैसे चैतन्य महाप्रभु और वल्लभ भट्टाचार्य के मध्य जो संबंध है वो संबंध वर्तमान में भी हरे कृष्ण आंदोलन के कृष्ण भावनामृत संघ के सदस्यों के साथ इस संप्रदाय के लोग अनुभूत करते हैं आगे है दुहार मुखे निरंतर कृष्ण नाम शूनि भट्ट कहे प्रभुर किचू इंगित भंगी जानी दोनों भाइयों को कृष्ण नाम का निरंतर जप करते सुनकर वल्लभ भट्टाचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु के संकेतों को समझ सके। दुहार नाम दुई अधम वल्लभ भट्टाचार्य ने कहा जब ये दोनों निरंतर कृष्ण नाम का कीर्तन जब करते हैं तो फिर ये अस्पृश्य कैसे हो सकते हैं उल्टे ये तो सर्वोत्तम है तो उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति आध्यात्मिक दृष्टि उनको यह अनुभव करा सकती थी कि रूप गोस्वामी और अनुपम साधारण जीव नहीं है अहो बत अश्व पचो गरिया यची वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जो वो सस्नुरार्या ब्रह्मान चूर्णाम गृणंती ये तब वल्लभ भट्टाचार्य ने यह श्लोक सुनाया हे प्रभु जिस व्यक्ति की जीव पर आपका पवित्र नाम सदा रहता है वह दीक्षित ब्राह्मण से भी बढ़कर होता है भले ही वह चांडाल कुल में क्यों न उत्पन्न हुआ हो और भौतिक दृष्टि से अत्यंत नीच व्यक्ति हो फिर भी वह यशस्वी है यह भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन का अद्भुत प्रभाव है अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि जो भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करता है उसे वेदोक्त सारे तप तथा ज्ञान संपन्न किया हुआ मान लेना चाहिए वह पहले के सारे तीर्थों में स्नान कर चुका होता है वह सारे वेदों का अध्ययन कर चुका होता है और वास्तव में वह आर्य आर्य होता है, जो सुसंस्कृत जीवनचर्या में व्यवहार करते हैं सिद्धांत परक नहीं व्यवहार परक जिनका आचरण सुसंस्कृत है उन्हें आर्य कहा है भगवदगीता में आर्य की परिभाषा दी गई है और कहते हैं यहाँ पर श्रीमद् भागवतम स्कंद तीन अध्याय तैतीस श्लोक संख्या सात का उल्लेख करते हुए जिस प्रकार भगवत गीता में भगवान ने कहा भक्त बनने के प्रयास में जीव में सारे सद्गुण आ जाते हैं सारे सद्गुणों के उपस्थित होने का अर्थ ये नहीं हो गया कि कोई भक्त है पर यदि कोई भक्त है तो उसके भीतर गुण अवश्य उपस्थित है और इसलिए भक्ति की प्रक्रिया व्यवहारिक प्रक्रिया कही गई है हम स्वयं अनुभव कर सकते हैं हमारे जीवन में हुए परिवर्तनों के लिए अपने हृदय की विशालता मृदुता वाणी की सुहृदयता ये सभी साधक धीरे धीरे प्रयास पूर्वक अभ्यास से साधता है जैसे जैसे जीव भगवान के बारे में जानने के लिए और अधिक मुखर हो जाता है उनकी सेवा करने में अभ्यस्त होता जाता है वैसे वैसे वह संसार के अन्य जीवों के प्रति अत्यधिक समझदारी भरा व्यवहार करने लगता है और ये स्वाभाविक रूप से जीव में उद्घाटित होने लगती है तो जैसे ये गुण भक्त में आने लगते हैं वैसे ही कहा जा रहा है भागवतम में कि जो इस भक्ति के कर... मार्ग में प्रयास में लगा हुआ है वह धार्मिक दृष्टि से उन्नत सभी प्रकार के माध्यम जो सुकृत प्रदान करते हैं उनका फल भी प्राप्त करने लग जाता है तो तीर्थों का जप का यज्ञ का ध्यान का जो महत्व होता है वह हरि नाम जप करके और हरि का नाम और हरि का काम करते हुए जीव स्वतः प्राप्त करने लगता है तो वल्लभ जो उद्घाटित कर रहे हैं उसे भागवतम के श्लोक के छंद के द्वारा कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रस्तुत कर रहे हैं वो कह रहे हैं ये भक्त हैं और इनको तो यदि ये नाम जप कर रहे हैं तो इन्होंने तो समस्त तीर्थों का यज्ञों का फल पहले ही प्राप्त कर लिया है शिवनी महाप्रभु तारे बहु प्रशंसीला प्रेमाविष्ट श्लोक पढ़ी तेला गिला वल्लभ भट्ट को भक्त के विषय में शास्त्र से उत्तरण देते सुनकर महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न थे महाप्रभु ने स्वयं उनकी प्रशंसा की और वे भगवत प्रेम से आविष्ट होकर शास्त्रों से अनेक श्लोक सुनाने लगे। संख्या चौहत्तर में कहते हैं शुचि सदभक्ति भक्ति दीपा दीप्ताग्नि दग्ध दुर्जाति कलमश स्वी बुध श्लाघ्यो न नास्तिक चैतन्य महाप्रभु ने कहा भक्ति प्रज्वलित अग्नि की तरह विगत जीवन के सारे पापों के फल को जला देती है जो व्यक्ति उस भक्ति के कारण ब्राह्मण के शुद्ध गुणों से युक्त है वह निम्न कुल में जन्म लेने जैसे पाप कर्मों के परिणामों से निश्चित रूप से बच जाता है भले ही वह चंडाल के परिवार में क्यों ना जन्मा हो विद्वान उसे मान्यता प्रदान करते हैं किंतु वैदिक ज्ञान में पंडित व्यक्ति यदि वह नास्तिक हो तो उसे मान्यता नहीं मिलती है तो भक्ति उद्धृत कर देती है कि जीव और भगवान के मध्य में मिलन का यह सबसे सरल प्रामाणिक मार्ग है भगवत भक्ति हीनस्य जाति शास्त्र जपस्तप तप देहस्य देह स मंडनम भक्तिहीन व्यक्ति के लिए उच्च कुल या राष्ट्र में जन्म लेना शास्त्र ज्ञान व्रत तप तथा वैदिक मंत्रोच्चार वैसे ही है जैसे मृत शरीर को गहने पहनाना ऐसे गहने केवल सामान्य जनता के मनोकल्पित आनंद की ही तुष्टि करने वाले होते हैं यदि कोई इसीलिए सादा जीवन उच्च विचार हमारे यहाँ कहा गया था इसी प्रकार शरीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण आभूषण चेहरे की मुस्कान कही गई है सभी प्रकार के आभूषण सुंदर वस्त्र आभरण महत्वहीन हो जाते हैं यदि व्यक्ति का मुखमंडल स्मित हास्य से युक्त ना लगे उसी प्रकार ये जीवन निरर्थक कह रहे हैं आचार्य यदि जीवन में भगवान के प्रति भक्ति नहीं आई है या भगवान के साथ अपने संबंध को जानकर उस उनकी प्राप्ति करने की अभिलाषा जागृत नहीं हुई है तो कहते हैं आचार्य कि अन्य सभी प्रयास ऐसे हैं जैसे मृत व्यक्ति के शरीर पर विभिन्न प्रकार के सुंदर वस्त्र और आभूषण पहना देना यह मनोरंजन कर सकता है यह किसी प्रकार के कर्मकांड को साध सकता है पर यह भगवत प्राप्ति नहीं करा सकता यह पूर्ण गंतव्य की ओर नहीं ले जा सकता चंद संख्या चंद्रख्या में कहते हैं प्रभु प्रेमाश प्रभु प्रेमावेश आर प्रभाव भक्ति सार सौंदर्य आदि देखी भट्टेर है चमत्कार महाप्रभु के प्रेमावेश को देखकर वल्लभ भट्टाचार्य अत्यधिक आश्चर्यचकित थे वे महाप्रभु के भक्ति विषय ज्ञान तथा उनके शारीरिक सौंदर्य और प्रभाव से भी आश्चर्यचकित थे सगणे प्रभु रे भट्ट नौका ते या भिक्षा दीते घरे चली लाल तब वल्लभ भट्टाचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके संगियों को नाव में चढ़ाया और उन्हें भोजन कराने के लिए अपने स्थान पर ले गए यमुनार जल देखी चिक्कड़ श्यामल प्रेमावेश महाप्रभु है यमुना नदी पार करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने चिकना श्यामल जल देखा और वे तुरंत ही प्रेमावेश में विहवल हो गए होंकार करी यमुनार जले दिया झाप प्रभु देखी सवार मने हैला भय काप यमुना नदी को देखते ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने हुंकार की और पानी में कूद पड़े ये देखकर सारे लोग भयभीत होकर कापने लगे आस्ते व्यस्ते सबे धरी प्रभु रे उठा नौकार रे प्रभु नाची तेला इतने भाव में भगवान चैतन्य है कि शीघ्रादे शीघ्र उनको जल से बाहर निकाला गया पर नाव के ऊपर आकर भी वह नृत्य कर रहे थे यमुना के जल से उनकी कृष्ण रूप में घटित घटनाओं की स्मृति पुनः जागृत हो गई महाप्रभु भरे नौका करे टल मल डूब नौका के भरे जल महाप्रभु के भाव से नाव हिलने डुलने लगी उसमें जल भरने लगा और वो डूबने जैसी हो गई यद्यपि आगे प्रभु धैर्य दुर्व उद प्रेम चैतन्य महाप्रभु ने वल्लभाचार्य के समक्ष अपने आप को यथा संभव संभालने का प्रयास किया और अपने आप को शांत रखना चाहा कि तु उनका प्रेम भाव रुके नहीं रुक रहा था देश पात्र देखी महा प्रभु धैर्य अड़ाई लेला परिस्थिति देखकर महाप्रभु शांत हो गए जिससे नाव अड़ाई के किनारे पहुंच कर लग सकी भय भट्ट रहे मत्याहन कर आईया नेगरी आने ला प्रभु रे संगे तिल महाप्रभु की कुशलता के लिए भयभीत बल्लभ भट्टाचार्य उनके साथ रहे महाप्रभु के स्नान का प्रबंध करने के बाद भट्टाचार्य उन्हें अपने घर ले गए आनंदित हय्या भट्ट दिल सन आपने करीला प्रभु पाद प्रक्षालन जब श्री चैतन्य महाप्रभु वल्लभ भट्टाचार्य के घर पहुंचे तब अत्यंत प्रसन्न होने के कारण उन्होंने महाप्रभु को सुंदर आसन प्रदान किया और स्वयं उनके चरणों को धोया है समवशेसे जल मस्तके धरीला नूतन कौपी न बहिर्वास पर आईला तब वल्लभ भट्टाचार्य तथा उनके पूरे परिवार ने वह जल अपने सिर के ऊपर छिड़का छड़, फिर महाप्रभु को नया कौपीन और बाह्य वस्त्र दिए गए गंध पुष्प धूप दीपे महापूजा कईला भट्टाचार्य मान्य करी पाक कर आईला वल्लभ आचार्य ने सुगंध अगुरु फूल तथा द्वीप के द्वारा बड़ी सजद से महाप्रभु की पूजा की और बड़े ही आदर के साथ बलभद्र भट्टाचार्य को भोजन पकाने के लिए राजी किया भिक्षा इस लसने चैतन्य महाप्रभु को बड़ी ही सावधानी तथा स्नेह से भोजन परोसा गया रूप गोस्वामी तथा श्री वल्लभ दोनों भाइयों को भी भोजन दिया गया भट्टाचार्य श्री रूप देव आई तबे से प्रसाद कृष्ण दास पाईला शेष वल्लभ भट्टाचार्य ने सबसे पहले शील रूप गोस्वामी को, को महाप्रभु के भोजन का शेष दिया और फिर कृष्णदास को दिया मुख वास दिया आपने भट करें प्रभु भट्ट प्रभुर पाद संवाहन तब महाप्रभु को मुख मुख शुद्धि के लिए मसाले दिए गए और इसके बाद उन्हें शयन कराया गया और वल्लभ भट्टाचार्य ने अपने हाथों से उनके पांव दबाए प्रभु पठाई लारे करी ते भोजन भोजन करी आईलाते हो प्रभु चरण जब वल्लभ भट्टाचार्य उनके पांव दबा रहे थे तब महाप्रभु ने उनसे जाकर प्रसाद ग्रहण करने के लिए कहा वे प्रसाद ग्रहण करके पुनः महाप्रभु के चरण कमलों पर लौट आए हे न काले आईला रघुपति उपाध्याय तिरुहिता पंडित बड़ वैष्णव महाशय उस समय रघुपति उपाध्याय आए जो तिरुहिता जिले के थे वे बहुत बड़े विद्वान महान भक्त तथा सम्मानित व्यक्ति थे तो हम देख सकते हैं कि जब हम अंत लीला में श्रवण करेंगे कि भगवान अपने इस भक्त स्वरूप जानना आवश्यक है कि उन्होंने सामाजिक स्तर पर कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रचार के लिए स्थान स्थान के विद्वत जनों को सहयोग पूर्वक सम्मिलित करके इस आंदोलन को विस्तार देने में अतीव प्रयास किया है तो अब रघुपति उपाध्याय भी वल्लभ भट्टाचार्य के यहाँ पर है उपाध्याय मिलने के लिए आ गए कहा जा रहा है आसीते हो कैला प्रभु चरण वंदन कृष्ण मती रहू बलि प्रभु रचन रघुपति उपाध्याय ने सर्वप्रथम श्री चैतन्य महाप्रभु की वंदना की और महाप्रभु ने यह कहते हुए आशीर्वाद दिया सदैव कृष्ण भावनामय बने रहें सुनि आनंदित हैला उपाध्याय मन प्रभु तारे कहलकह कृष्ण उपाध्याय महाप्रभु का आशीर्वाद सुनकर अत्यधिक प्रसन्न हुए इसके बाद महाप्रभु ने उनसे कृष्ण का वर्णन करने के लिए कहा निज कृत कृष्ण लीला श्लोक पढ़ीला लीला महाप्रभु महा महा प्रेमावेश हैला जब रघुपति उपाध्याय से कृष्ण का वर्णन करने के लिए कहा गया तो उसने कुछ श्लोक सुनाए जो उसने कृष्ण लीला के विषय में स्वयं लिखे थे और उन श्लोकों को सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेम से विवल हो गए सुंदर श्लोक है महाप्रभु को कृष्ण भाव का प्रत्य। प्रत्य। कराने के लिए कहते हैं श्रुति मपरे स्मृति मितरे भारत मन्ये भजन्तु भव भीता अहम इ नंदम वंदे परम ब्रह्मा रघुपति उपाध्याय ने सुनाया इस भौतिक अस्तित्व से भयभीत लोग वैदिक साहित्य की पूजा करते हैं कुछ स्मृति की पूजा करते हैं जो वैदिक सिद्धांत के उप सिद्धांत तो कुछ महाभारत की किंतु मैं तो कृष्ण के पिता महाराज नंद की पूजा करता हूं जिनके आंगन में परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान खेल रहे हैं तो श्रुति और स्मृति दो प्रकार के शास्त्र कहे गए हैं और आचार्य उस क्रम में बताते हैं वेद उपनिषद ब्राह्मण आरण्यक तब कहीं पुराण जिसे यहां पर कहा जा रहा है महाभारत जिसे पंचम वेद पंचम क्योंकि महाभारत के जो श्लोकों की संख्या है एक लाख श्लोक उसमें से हमें भागवतम और गीता प्राप्त हो रहा है तो वहां तक जाते हुए रघुपति उपाध्याय कह रहे हैं कुछ स्मृति की पूजा करते हैं कुछ साहित्य जो साहित्य का सिद्धांत है कुछ महाभारत की और कुछ अन्य शास्त्रों की पर मैं तो किन की पूजा कर रहा हूं उन नंद महाराज की जिनको प्राप्त करने के लिए शास्त्रों में ये सब कुछ वर्णित किया गया है पुस्तकों में सिद्धांत दिए गए हैं जिसे हम ज्ञान योग कहते हैं उसको साधना उस सिद्धांत से क्या प्राप्त करना है वो तो भगवत प्राप्ति ही है इसलिए भक्ति योग पूर्णता कही गई है अंततः भगवान के बारे में जानकर भगवान ने सृष्टि बनाई भगवान ये हैं, भगवान वो हैं, भगवान इस प्रकार से सृजन करते हैं संहार करते हैं पालन करते हैं अंततः लक्ष्य क्या है लक्ष्य तो यह है कि जब जब नंद बाबा मैया यशोदा के आंगन में खेलते हुए कृष्ण को जब अर्जुन को उपदेश सुनाते हुए कृष्ण को जब द्वारका में रहकर सर्वश्रेष्ठ राजनीति के नियमों को व्यवहारिक रूप से दिखाते हुए कृष्ण को हम स्वयं अपने स्वामी के रूप में प्राप्त कर सके श्ल प्रभुपात कहते हैं रघुपति उपाध्याय के द्वारा यह सुनाया गया श्लोक इतना उत्कृष्टता रूप गोस्वामी जी द्वारा लिखित पद्यावली में इसे सम्मिलित किया गया है ये सुनते ही चैतन्य महाप्रभु रघु उपाध्याय से और अधिक श्लोक सुनाने को कहते हैं और तब वो कहते हैं आगे कह प्रभु वाक्य उपाध्याय कहिला रघुपति उपाध्याय नमस्कार कहिला जब महाप्रभु ने रघुपति उपाध्याय से और अधिक सुनाने के लिए कहा तो उसने तुरंत ही महाप्रभु को नमस्कार किया और उनके आग्रह को स्वीकार कर लिया प्रतीको तो मई प्रतीति मायातु व तनया कुंजे गोपवधूटी विटम ब्रह्म मैं किससे कहूँ और कौन मेरी बातों में विश्वास करेगा यदि मैं कहूँ कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण यमुना नदी के तट पर गोपियों के संग कुंजों में विहार कर रहे हैं भगवान इस तरह से अपनी लीलाओं को प्रदर्शित कर रहे हैं तो कहते हैं यहाँ पर कि मेरे लिए रघुपति उपाध्याय कह रहे हैं कि मेरे लिए तो कृष्ण यहाँ हर कण कण में हर क्षण उपस्थित है कौन विश्वास करेगा केवल वह जिसके जीवन में भक्ति की प्रचुरता आ चुकी है प्रभु कहन कहते कृष्ण लीला प्रेमा प्रभु देह मन आयु या श्री चैतन्य महाप्रभु ने महा रघुपति उपाध्याय से अनुरोध किया कि वह श्री कृष्ण की लीलाओं के विषय में कहते रहे महाप्रभु के प्रेमा महाप्रभु प्रेमाविष्ट हो गए और उनका मन तथा शरीर शिथिल पड़ गया आध्यात्मिक जीवन की सक्रियता हमें भौतिक जीवन के स्तर पर शिथिल बना देती है कहते हैं प्रेम देखिए उपाध्याय चमत्कार मनुष्य इहो कृष्ण करी निर्धार जब रघुपति उपाध्याय ने महाप्रभु के भाव लक्षण देखे तो उन्हें निश्चित हो गया कि ये मनुष्य नहीं अपितु तो साक्षात कृष्ण है भगवान अपने इन लक्षणों को सावधानी पूर्वक केवल अपने अतीब प्रियतम भक्तों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं या बाह्य स्तर पर सामाजिक स्तर पर केवल उनको जो पहले से भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं और एकमात्र उस तंतु की उस मिलन के क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं जहां चैतन्य महाप्रभु उनको भगवत कृपा का दर्शन करा रहे हैं तो ये भाव देखकर रघुपति उपाध्याय धन्य हो गए वो कहते हैं कि यह तो मनुष्य हो ही नहीं सकते आगे पूछते हैं महाप्रभु उनसे प्रभु कहे उपाध्याय श्रेष्ठ उपाध्याय चैतन्य महाप्रभु ने रघुपति उपाध्याय से पूछा तुम्हारे मत के अनुसार सर्वश्रेष्ठ हस्ती कौन है रघुपति उपाध्याय ने उत्तर दिया भगवान श्याम सुंदर ही सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है आगे श्याम रूपे वास स्थान श्रेष्ठ मधुपुरी कहे उपाध्याय कृष्ण के समस्त धामों में से तुम किसे सर्वश्रेष्ठ मानते हो इसके उत्तर में रघुपति उपाध्याय ने कहा मधुपुरी अर्थात मथुरा धाम निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ श्याम सुंदर रूप सर्वश्रेष्ठ बताते हैं भगवान के समक्ष उपाध्याय और शिल ब्रह्म ब्रह्मिता से उल्लेख करते हुए श्याम रूप के बारे में कहते हैं भक्ति प्रेमितलोचनेलोकयती यम श्याम सुंदरम अचित्य गुण स्वरूप पुरुषम तमहम भजा मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो उन भक्तों को सदैव दर्शन देते हैं जिनकी आंखों में प्रेम का अंजल लगा रहता है वे भक्त के हृदय में स्थित श्याम सुंदर के सनातन रूप में दर्शन देते हैं तो हम देख सकते हैं यहाँ पर जो रघुपति उपाध्याय कह रहे हैं जो वल्लभ भट्टाचार्य का अनुभव है वो ब्रह्म संहिता में पहले से उद्भाषित है और इसीलिए शास्त्र के वचन एक दूसरे को कभी विरोध नहीं करते वो एकात्मकता लाते हैं पर समझने के लिए हमें वो स्वाभाविक गुरु शिष्य परंपरा की अधिकृत हस्ती का मार्गदर्शन चाहिए होता है बाल्य पौगंड कैशोरे श्रेष्ठ मानकाय वह शोर कम ध्येय कहे उपाध्याय श्री चैतन्य ने महाप्रभु ने आगे प्रश्न किया कृष्ण की बाल्य अवस्था पौगंड अवस्था तथा किशोरावस्था इन तो तीनों में से तुम किसे सर्वश्रेष्ठ मानते हो रघुपति उपाध्याय ने उत्तर दिया क्या शोर अवस्था सर्वश्रेष्ठ है रसगण मध्य तुम श्रेष्ठ मान काय आद्य परो रस कहे उपाध्याय जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूछा समस्त रसों में तुम किस रस को श्रेष्ठ मानते हो रघुपति उपाध्याय ने उत्तर दिया माधुर्य रस सर्वोपरि है हमने पहले भी चर्चा की है माधुर्य रस में वात्सल्य से शांत सभी रसों का समावेश हो जाता है आगे प्रभु कहते हैं प्रभु कहे भाल तत्व शिखा इलाम हो रे एतबली श्लोक पढ़े गत गद गत स्वरे तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा तुमने निश्चित रूप से उच्च कोटि के निर्णय दिए हैं ये कहकर वे लड़खड़ाते स्वर में पूरा श्लोक सुनाने लगे श्याम श्याम एवं परम रूपम पुरी मधु पुरी वरा वय कैशोर कम ध्येयम आद्य एव श्याम रूप श्याम सुंदर स्वरूप सर्वश्रेष्ठ रूप है मथुरापुरी सर्वश्रेष्ठ धाम है कृष्ण की कैशोरावस्था सदा ध्यान करने योग्य है और माधुर्य रस ही सर्वश्रेष्ठ रस है हमें आश्चर्य होगा ये सोच करके चैतन्य महाप्रभु की समस्त शिक्षाएं स्थान स्थान पर आचार्यों ने ग्रहण करके इतने विशद शास्त्र लिख डाले हैं जो हम सभी आज श्रवण पठन अध्ययन मनन कर रहे हैं और अपनी शिक्षाओं के सार के रूप में चैतन्य महाप्रभु ने केवल आठ छंद दिए व्याकरण के प्रसिद्ध विद्वान प्रसिद्धतम विद्वान वास्तव तो में किसी भी विषय के प्रसिद्धतम विद्वान चैतन्य महाप्रभु कहे जा सकते हैं पर ज्ञान अहंकार को न प्रज्वलित करे सन्यासी के रूप में अपनी शिक्षाओं को कृष्ट रखते हुए चैतन्य महाप्रभु ने केवल भगवत भक्ति की प्राप्ति के लिए जोड़ दिया है और यहाँ प्रश्न कर रहे हैं रघुपति उपाध्याय से और साथ ही साथ स्वयं श्लोक वर्णित कर रहे हैं ऐसे ही हमने केशव काश्मीरी के संबंध में देखा था केशव काश्मीरी ने तत्ण श्लोक सृजन करके प्रस्तुत किए थे और चैतन्य महाप्रभु के श्रवण करने की स्मरण करने की दक्षता ये थी कि उन्होंने श्लोक संख्या पंक्ति संख्या और उसमें गुण और दोष की चर्चा उस समय की थी जो हमने आदि लीला में श्रवण की है यहाँ रघुपति उपाध्याय से हमने देखा तीन छंदों में पूछा स्थान स्वरूप पूछा स्थान पूछा और उसके उपरांत रस पूछा भगवान की अवस्था पूछी है रूप में श्याम सुंदर धाम में मथुरापुरी अवस्था में कैशोर अवस्था और मा, रसों में माधुर्य रस को एक साथ जोड़कर चैतन्य महाप्रभु ने श्लोक बताया प्रेमावेश प्रभु तारे कैला आलिंगन प्रेम मत हया तेहो करे तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रेमावेश में रघुपति उपाध्याय का आलिंगन किया रघुपति उपाध्याय भी प्रेम में विभोर होकर नृत्य करने लगे देखी वल्लभ भट्ट मने चमत्कार हईिला दुई पुत्र आनी प्रभु चरण पड़ीला श्री चैतन्य महाप्रभु तथा रघुपति उपाध्याय को नृत्य करते देख कर वल्लभ भट्टाचार्य अत्यधिक आश्चर्यचकित हो गए वे अपने दोनों पुत्रों को ले आए और उन्हें महाप्रभु के चरण कमलों पर डाल दिया तो वल्लभ आचार्य के दो पुत्र गोपीनाथ तथा विठलेश्वर यहां पर बताए गए हैं शिल प्रोपाध वर्ष संख्या के साथ इस जानकारी को प्रस्तुत करते हैं आगे प्रभु देखी बारे ग्रामे सब लोग प्रभु दर्शन सभी कृष्ण भक्त हईला ये सुनकर की श्री चैतन्य महाप्रभु आए हुए हैं सारे ग्रामवासी उनका दर्शन करने के लिए आए उनका दर्शन करने मात्र से वे सभी कृष्ण भक्त बन गए ब्राह्मण सकल कर प्रभु मंत्रण बल्लभ भट्ट तासा बारे करण गांव के सारे ब्राह्मण महाप्रभु को निमंत्रण देने के लिए उत्सुक थे किंतु बल्लभ भट्टाचार्य ने उन सबको ऐसा करने से मना कर दिया प्रेमोन मादे पड़े गोसाई मध्य यमुना ते प्रयागे चालाई बी नादी पर रही थे तब बल्लभ भट्ट ने श्री चैतन्य महाप्रभु को अड़ाईल में न रखने का निश्चय किया क्योंकि महाप्रभु प्रेमावेश में यमुना नदी में कूद पड़े थे इसलिए उन्होंने महाप्रभु को प्रयाग ले जाने का निश्चय किया यार इच्छा प्रयाग या, या करी बे निमंत्रण ए प्रभु ले या करी लगमन बल्लभ भट्ट ने कहा जिसकी इच्छा हो वह प्रयाग जा सकता है और महाप्रभु को निमंत्रण दे सकता है इस तरह वे महाप्रभु को अपने संग लेकर प्रयाग के लिए चल पड़े गंगा पथे रे नौका ते वस आई प्रयागे आईला प्रभु प्रयागे आईला भट्ट गोसाई रे लैया वल्लभ भट्टाचार्य यमुना नदी से बचने के लिए महाप्रभु को नाव में चढ़ाकर गंगा नदी से उनके साथ साथ प्रयाग गए लोक भीड़ भय प्रभु दशा सुमेदे आईया रूप गोसाई रे शिक्षा कर राज शक्ति संचारिया प्रयाग में भारी भीड़ होने के कारण श्री चैतन्य महाप्रभु दशा गए। यही पर उन्होंने रूप गोस्वामी को शिक्षा दी और भक्ति योग दर्शन में उनके भीतर संचार किया है शक्ति तो प्रयाग पर भगवान ने हम सभी ने श्रवण किया था रूप गोस्वामी जी को शिक्षा प्राप्त होती है भगवान के द्वारा स्वयं कृष्ण तत्व बताया जा रहा है 115 में कहते हैं कृष्ण तत्व भक्ति तत्व रस तत्व प्रांत सब शिकाइल प्रभु भागवत सिद्धांत श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी को कृष्ण तत्व भक्ति तत्व तथा रस तत्व की चरम सीमा की शिक्षा दी है जिसकी चरम परिणति राधा तथा कृष्ण के माधुर्य प्रेम में होती है अंत में उन्होंने रूप गोस्वामी से श्रीमद भागवतम के चरम सिद्धांत कहे रामानंद पाशे यत सिद्धांत सुन रूपे कृपा करिता सब संचारीला श्री चैतन्य महाप्रभु ने राम राय से जितने भी सिद्धांतों पर चर्चा की थी उन सब को रूप गोस्वामी को सिखलाया और उन्हें शक्ति प्रदान की जिससे वे उन्हें समझ हृदय प्रभु शक्ति संचारीला सर्व तत्व निरूपण प्रवीण ला रूप गोस्वामी के हृदय में प्रवेश करके श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें समस्त सत्यों के सिद्धांतों के तत्व से समझने की शक्ति प्रदान की महाप्रभु ने उन्हें अनुभवी भक्त बना दिया जिनके निर्णय गुरु शिष्य परंपरा के निर्णयों के अनुरूप थे और इस प्रकार श्री रूप गोस्वामी को, को स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने शक्ति संपन्न किया है शिवानंद से पुत्र कवि कर्णपुर रूपे नूपेर मिलन प्रचुर शिवानंद सेन के पुत्र कवि कर्णपुर ने अपनी पुस्तक चैतन्य चंद्रोदय में श्री रूप गोस्वामी तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के मिलन का विस्तार से वर्णन किया तो ये ये श्लोक ये छंद यहाँ पर सीधे कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा कहा जा रहा है कि शिक्षाएं जो दी है उसका वर्णन शिवानंद सेन के पुत्र की चंद चैतन्य चंद्रोदय में विस्तार से है तो मैं यहाँ पर बहुत विस्तार में नहीं दूंगा उन्होंने संक्षेप में बता दिया कि भक्ति तत्व की रस की समस्त शिक्षाएं चैतन्य महाप्रभु द्वारा रूप गोस्वामी के हृदय में संचारित कर दी गई है छंद संख्या एक में सुंदर श्लोक है यहाँ पर कहते हैं काले वृंदावन के लिए क्या पर ये तुम विशिष्ट च में वृंदावन में की लीलाओं के दिव्य संदेश लुप्त प्राय हो गए थे इन दिव्य लीलाओं की स्पष्ट रूप से स्थापना करने के लिए ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रयाग में शिल रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी को अपनी कृपा का अमृत प्रदान किया जिससे वे वृंदावन में यह कार्य संपन्न न कर सके सुंदर श्लोक है यह पुनः कवि कर्णपुर की पुस्तक से आता है कह रहे हैं आचार्य यहाँ पे यह प्रागेव प्रिय गुणा गणे गण बधोपी मुक्त तो गेहाध्यासादृषिवो परो मूर्तः एवाप्यमूर्तः प्रेमालापे परिश्व अङ्गरङ्गे प्रयागे तं श्रीरूपम् समम अनुपमा देव कहते हैं श्री रूप गोस्वामी प्रारंभ से ही श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य गुणों के प्रति अत्यंत आकृष्ट थे इस तरह उन्होंने गृहस्थ जीवन से स्थायी रूप से वैराग्य ले लिया श्री रूप गोस्वामी तथा उनके छोटे भाई वल्लभ को श्री चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद प्राप्त हुआ यद्यपि महाप्रभु अपने दिव्य शाश्वत रूप में दिव्य पद को प्राप्त थे किंतु प्रयाग में उन्होंने रूप गोस्वामी को कृष्ण के दिव्य भावमय प्रेम के विषय में बतलाया फिर महाप्रभु ने बड़े प्रेम से उनका आलिंगन किया और उन्होंने उन्हें अपनी पूर्ण कृपा प्रदान की प्रिय स्वरूप स्वरूपे प्रेम स्वरूप सहजाभि रूपे निजानूपे रूपे।, रूपे, रूपे अगर हम यहाँ पर देखें कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की रचना में जहाँ एक और भगवान के दिव्य गुणों के प्रति आकृष्ट शील रूप गोस्वामी जी को भगवत कृपा के रूप में चैतन्य महाप्रभु के द्वारा प्रत्यक्ष शिक्षा और भाव में कृपा प्राप्त हुई है वही यहाँ स्वयं कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की रचना देखें हर शब्द के बाद वो साहित्य की इस सुंदर प्रस्तुति को अलंकृत कर रहे हैं प्रिय स्वरूपे, दैत स्वरूपे, प्रेम स्वरूपे सहजा भी रूपे हर शब्द के पास ने रूपे प्रभुरेक रूपे तथान रूपे स्व रूपे कहते हैं स्वरूप दामोदर के प्रिय प्रियमित्रीलामी श्री चैतन्य महाप्रभु की अनुकृति थे थे और वे महाप्रभु को अत्यंत प्रिय श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रेम की साक्षात मूर्ति होने के कारण रूप गोस्वामी स्वाभाविक रूप से अत्यंत सुंदर थे उन्होंने महाप्रभु द्वारा स्थापित सिद्धांतों का सावधानी से पालन किया और वे भगवान कृष्ण की लीलाओं की सही व्याख्या करने के लिए उपयुक्त व्यक्ति थे श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन पर इसलिए अपनी कृपा दृष्टि डाली ताकि वे दिव्य साहित्य की रचना करके सेवा कर सके तो रूपे रूपे स्वयं नाम भी रूप गोस्वामी है और प्रत्येक शब्द के पश्चात क्रियाओं की गतिविधियों की गुणों की व्याख्या करने में रूप शब्द की इतनी बार यहाँ पूर्णा करते हैं कृष्णदास गोस्वामी आगे जगह के के शिल स्थाने स्थाने, रूप सनातने। इस तरह कभी ने जगा जगा शिलरूप गोस्वामी के गुणों का वर्णन किया है उन्होंने इसका भी वर्णन किया है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने किस तरह शिल रूप गोस्वामी तथा शिल सनातन गोस्वामी को अपनी हतो की कृपा प्रदान की महाप्रभु यत बड़ बड़ भक्त मात्र रूप सनातन सबार कृपा गौरव पात्र गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के बड़े बड़े भक्तों के प्रेम तथा सम्मान के पात्र थे के यदि देशे या देखी वृंदावन तारे प्रश्न करें प्रभु पारिषद गण यदि कोई वृंदावन देखने के बाद अपने देश लौट आता तो महाप्रभु के पार्षद उस व्यक्ति से प्रश्न करते कहता हा, कैचे रहे रूप सनातन कैचे रहे कैचे बैरा कैचे भोजन क्योंकि उसके उपरांत चैतन्य महाप्रभु केवल भक्तों से परिचय प्राप्त कर पाएंगे इस घटना के उपरांत यहां, यहां मिलने के पश्चात एक बार में शक्ति संचालित कर दिया है उन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने रूप और सनातन दोनों के जीवन में और उसके उपरांत दोनों पूर्णकालिक वृंदावन में वास कर रहे हैं तो जो जो मिलने जाता है उससे भगवान चैतन्य महाप्रभु रूप और सनातन की कुशल क्षेम का परिचय प्राप्त करते हैं वृंदावन से लौटने वाले से वे पूछते वृंदावन में रूप और सनातन कैसे हैं? संयास आश्रम में उनके कार्य कैसे हैं? वे किस तरह भोजन की व्यवस्था करते हैं इस प्रकार के प्रश्न पूछा करते थे क्या छे अष्ट प्रहर कर श्री कृष्ण भजन तबे प्रशंसिया कहे से ही भक्तगण महाप्रभु के पार्षद ये भी पूछते रूप तथा सनातन किस तरह चौबीस घंटे भक्ति में लगे रहते हैं उस समय वृंदावन से होकर आने वाला व्यक्ति रूप तथा सनातन गोस्वामी की प्रशंसा करता अनिकेत दुहे वने यत वृक्ष गण एक, एक वृक्ष तले एक, एक रात्रि शयन उन दोनों भाइयों का कोई स्थायी निवास स्थान नहीं है वे वृक्षों के नीचे निवास करते हैं एक रात एक वृक्ष के नीचे तो दूसरी रात दूसरे वृक्ष के नीचे स्थूल भिक्षा काहा माधु करी शुष्क रोटी चाना भोग परिहारी तथा सनातन गोस्वामी ब्राह्मणों के घरों से कुछ भोजन मांग लाते सारे भौतिक भोग का परित्याग करके सूखी रोटी तथा भुने चने ही ग्रहण कर रहे थे करो या मात्र हाथ करो या मात्र हाते काथा कृष्ण नाम नर्तन उल्लास वे एकमात्र कमंडल लिए रहते हैं और फटी गुदड़ी ओढ़ते हैं वे सदैव कृष्ण के पवित्र नाम का जप करते हैं और उनकी लीलाओं की चर्चा करते हैं वे अति उल्लास से नृत्य भी करते हैं फटी गुदड़ी एकमात्र कमंडल कोई स्थायी निवास नहीं हम किन की बात कर रहे हैं हम उन रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी की बात कर रहे हैं जिनको नवाब हुसैन शाह के दरबार में अत्यधिक प्रतिष्ठित पद प्राप्त है हजारों हजार स्वर्ण मुद्राएं जिन्होंने यूं ही वितरित कर दी पिछले सत्र में हमने इस अध्याय भविष्य के लिए रखा हुआ था और एक भाग में हमने श्रवण किया था कि दस हजार मुद्राएं थी जो सनातन गोस्वामी के लिए थे दस हजार स्वर्ण मुद्राएं वर्तमान में उनके मूल्य की हम कल्पना भी नहीं कर सकते कल्पना कर भी सकते हैं तो कहने का आशय है कि ऐसी इतनी संब संपत्ति के साथ किसी को बिना घर के एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष नीचे सोने की आवश्यकता नहीं भिक्षा मांगकर जीवन यापन करने की आवश्यकता नहीं वस्त्र के नाम पर न्यूनतम लोकाचार की मर्यादा की प्रतिष्ठा के लिए धारण किए गए वस्त्र पहनने की आवश्यकता नहीं पर क्या कर रहे हैं अष्ट प्रहर कृष्ण भजन दंड शयने नाम को न दीने वे लगभग चौबीसों घंटे भगवान की सेवा में लगे रहते हैं वे केवल डेढ़ घंटा सोते हैं और कुछ दिन तो जब वे निरंतर पवित्र नाम का कीर्तन कर रहे होते हैं तो बिल्कुल नहीं सोते हैं तो ये अतिशयोक्ति नहीं है ये वास्तविकता है हमारे आचार्यों की भक्ति रस शस्त्र कर ये लिखा न चैतन्य कथा सुन्य कर चैतन्य चिंतन कभी वे भक्ति संबंधित दिव्य साहित्य की रचना करते हैं तो कभी वे चैतन्य महाप्रभु के विषय में सुनते हैं और उन्हीं के विषय में चिंतन करने में अपना सारा समय लगा देते हैं ऐ कथा सुनि तेर महा सुख है येतन्य रेता हे के विस्मय कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं जब श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षदगढ़ रूप तथा सनातन गोस्वामियों के कार्यो के विषय में सुनते तो वे कहते उस व्यक्ति के लिए कौन सी विस्मय की बात है जिसे महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो चुकी है जो वास्तव में भगवान की सेवा में है उसके लिए इस जगत में कुछ भी आश्चर्यचकित नहीं है पर उसका व्यवहार इस जगत को सदैव आश्चर्यचकित करता है चैतन्य कृपा रूपे लिखी याचे रसामृत सिंधु मंगल आचरण श्री रूप गोस्वामी ने स्वयं ही अपनी पुस्तक भक्ति रसामृत सिंधु के मंगलाचरण में श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा के विषय में लिखा है तो आज के सत्र के लिए ये अंतिम छंद है कहते हैं यदि येरणया प्रवृति तो हम पराक रूपोपी हरे पद कमलम चैतन्य देवस्य यद्यपि मैं मनुष्य में सबसे नीच और मुझे कोई ज्ञान नहीं है किंतु मुझे भक्ति विषयक दिव्य ग्रंथ लिखने की प्रेरणा कृपा पूर्वक दी गई है अतएव मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों पर नमस्कार करता हूँ क्योंकि उन्होंने ही मुझे इन ग्रंथों की रचना करने का अवसर प्रदान किया है तो ये महत्व की बात है यहाँ समझने का रूप गोस्वामी ने ये नहीं कहा कि मैं दिव्य ज्ञान से युक्त हूँ और इसलिए मैं इन शास्त्रों की रचना कर रहा हूँ वो कहते हैं मुझे इन शास्त्रों की रचना करने के लिए प्रेरणा और ज्ञान प्राप्त हुई है किससे प्राप्त हुई है स्वयं भगवान से मुझे इसकी प्रेरणा दी गई है आज के सत्र के लिए हम लोग यहीं पर अंतिम छंद छंद संख्या 135 के साथ विराम देंगे अगले सत्र में छंद संख्या एक से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे कहते प्रदान करते हुए शिक्षा दी है तो छंद संख्या एक से लेकर दो तक जो ये विषय आरंभ होने जा रहा है इसमें चैतन्य महाप्रभु ने दस दिन में रूप गोस्वामी जी को जो आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान की जिसके माध्यम से जिसके आधार पर ये भक्ति शास्त्रों की रचना हुई है जिनको सरलतम शब्दों में श्रवण करके हम अपने लिए आवश्यक कर सकते हैं। वर्तमान में प्रतिदिन जब करने श्रवण कर रहे हैं उन चंद श्लोकों में छंदों में भगवान भक्त और भक्ति की सारी गुढ़ शिक्षाएं रूप गोस्वामी जी ने संकलित कर रखी हैं वो रूप गोस्वामी जी यहाँ दस दिन प्रयाग में चैतन्य महाप्रभु से शिक्षा ग्रहण करेंगे उसे हम सभी अगले सत्र में श्रवण करने का प्रयास करेंगे आज के लिए सत्र को यहीं पर विराम देते हैं श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय शिल प्रभुपाद की जय चैतन्य चरितमृत की जय शिल गुरुदेव की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की जय सभी को बहुत बहुत आभार कृष्ण